हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। और अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल, यानी कि दो क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं। तो जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे एक एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ सके। ठीक है, एक बार बेटा जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले बेटा आप जैसा कि यहां देख रहे हैं कि ये एक साल दो साल नहीं, पिछले कई साल से शुभम क्लासेस से पढ़कर बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि शुभम क्लासेस से पढ़कर इस बार भी बोर्ड एग्जाम में शुभम वर्मा ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक वन हासिल किया है, यानी कि नंबर वन पोजीशन हासिल किया है। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि अपने जिले में भी नंबर वन पोजीशन हासिल किए हैं, नंबर वन रैंक हासिल किए हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अनुज कुमार मिश्रा ये वाराणसी जिले में नंबर वन पोजीशन हासिल किए हुए हैं। अभिनव भान, ठीक है, कासगंज जिले में। सोनाली वर्मा पूरे महोबा जिले में, जिले के साथ साथ महोबा मंडल में भी। और इसके साथ साथ आप यहां देख रहे हैं श्रेयांश कुमार जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में बेटा आठवीं रैंक हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सभी बच्चे एक बात एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, और वो क्या है कि ये बच्चे शुरू से मेहनत करते थे, यानी शुरुआत से ही क्लास को अटेंड करना, जो भी चीज हो उसका अच्छे से रिवीजन करना, सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम करते थे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग भी इसी तरीके से एकदम शुरू से जुड़कर हमारे साथ मेहनत करेंगे। और शुभम क्लासेस से जुड़ने के लिए जो बच्चा बेटा अभी तक शुभम क्लासेस से नहीं जुड़ा है, आप लोग बिल्कुल जल्दी जुड़ जाएं, बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अभी शुभम क्लासेस की जो प्राइस है मात्र 1799 रुपए, यानी कि 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 200 रुपए की आपको छूट मिल रही है। उसके साथ साथ बेटा आप यहां देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको लाइव क्लास मिल रही है, टॉपर्स नोट्स मिल रही है, स्मार्ट क्लास नोट्स है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और उसके साथ साथ वन शॉट रिवीजन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, डाउट क्लास है। ठीक है, और उसके साथ साथ बेटा स्पेशल ट्रिक आपको दिए जाएंगे। स्पेशल ट्रिक में जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स की कॉपी को किस तरीके से लिखी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बेटा, देखिए आंसर तो हर एक बच्चे लिख के आते हैं, लेकिन किसी बच्चे को फुल मार्क्स मिलते हैं, किसी का मार्क्स कट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीजें जो आपको पता है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, या आपके पास जितना नॉलेज है वो अगर आप दो चार लाइन में ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बेस्ट यानी फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब आपको स्पेशल ट्रिक के अंदर बताया जाएगा। और साथ ही साथ ए टू जेड भैया पूरी तैयारी टॉप 100 बैच में कराई जा रही है। बैच से जुड़ने के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यहां पे देखिए भाई, ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप बैस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़ जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए शुरू करते। अब देखिए, हमें सेल के विद्युत वाहक बल, ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल, और इसके साथ साथ सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जा सके। ठीक है, चलिए अब देखिए, डायरेक्ट सेल के विद्युत वाहक बल को जानने से पहले हम जानेंगे विद्युत सेल होता क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, और उसके बाद फिर जानेंगे सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो यानी सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत सेल के बारे में। किसके बारे में? विद्युत सेल के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में, सेल के
विद्युत वाहक बल, ठीक है, एंड सेल का टर्मिनल विभवांतर, एंड सेल का टर्मिनल विभवांतर इसके बारे में, ठीक है। और फिर बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, ठीक है। ये तीनों टॉपिक पे जो है आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं बेटा। तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे रेडी हैं, कॉपी पेन जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए और अगली हेडिंग लगाइए भाई, सेल का, ठीक है, विद्युत सेल क्या चीज है। ओके, हेडिंग लगाइए विद्युत सेल, विद्युत सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल की अगर हम बात करें तो विद्युत सेल बेटा एक ऐसी युक्ति है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी युक्ति या ऐसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करे, कन्वर्ट कर दे, क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो क्या हो गया सेल, परिभाषा लिख लें सिंपल से, ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है बेटा, विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। इसमें देखो होता क्या है कि जो विद्युत सेल होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का हमारा क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है, एक क्या होता है, किसी दरों में, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि कोई द्रव, और इसी द्रव में हम क्या करते हैं, दो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, क्या करते हैं, विभिन्न धातुओं की दो छड़े डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, दो छड़ डाल देते हैं, और ये दोनों छड़े जैसे ही इस विद्युत अपघट, यानी कि ये जो द्रव है इस द्रव के अंदर पड़ते हैं, तो इस द्रव की एक खास बात यह है कि उन दोनों में से किसी एक को प्लस टर्मिनल तो किसी एक को माइनस टर्मिनल बना देती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम इस प्रकार से दो क्या करते हैं, अलग अलग यानी कि विभिन्न धातुओं की दो छड़े डाल देते हैं, ठीक है। अब ये द्रव जो है, ठीक है, ये जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, ये द्रव हमारा कहलाता है विद्युत अपघट्य, क्या कहलाता है बेटा, विद्युत अपघट्य, ठीक, क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है द्रव। और ये जो इसके अंदर आपको दो छड़े दिखाई दे रही हैं, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड है, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड है। अब इन इलेक्ट्रोडों में से एक जो है आपका प्लस होता है, एक आपका माइनस होता है, ठीक है। तो जो आपका प्लस होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो इसको जो है हम बोलते हैं धन टर्मिनल, क्या बोलेंगे, धन टर्मिनल, ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको सिंबल के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है, यानी कि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, और एक पे प्लस, बड़ी वाली लाइन पे प्लस और छोटी वाली लाइन पर माइनस, इसको बेटा इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल का क्या है, सिंबल है, ये सेल का संकेत है। तो किसी भी सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आई,
क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो आगे जो सेल है हमारे ये दो प्रकार के होते हैं, सेल हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सेल हमारे दो टाइप के होते हैं। सेल की परिभाषा क्या कह रही है? अगर आप लोग देखो ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि सेल कैसे दो प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा आप और डीप में आओ। क्या है बेटा यहां पे देखो क्या कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा। किसको? रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, आपके घरों में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं उसके बैटरी आप लोगों ने देखे हैं, बैटरी देखा है, तो उसके बैटरी के अंदर भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो रासायनिक क्रियाओं की वजह से हमें क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से रिमोट के सेल की अगर हम बात करें, लेकिन हमारी जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो वो क्या क्या होती है? वापिस से चार्ज हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम रिमोट की बैटरी की बात करें, टॉर्च की बैटरी की बात करें, तो ये जो हमारे बैटरी हैं ये सब क्या होते हैं? एक बार यूज होने के बाद दोबारा से चार्ज नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को देखते हुए हम सेल को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सेल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ठीक, पहला जो है प्राथमिक सेल, पहला जो है प्राथमिक सेल, और दूसरा है, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? प्राथमिक सेल की अगर हम बात करें तो बेटा वह सेल जो एक बार यूज होने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बारे में लिखना तो बहुत जरूरी है, नहीं चीजों को आप समझ गए ना कि प्राथमिक सेल की अगर हम बात करें, प्राथमिक सेल क्या होता है कि ऐसे सेल जो एक बार क्या होते हैं? डिस्चार्ज, यानी कि निरावेशित या अनावेशित होने के बाद दोबारा से इनको हम आवेशित नहीं कर पाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारा डेनियल सेल हो गया, ठीक है, डेनियल सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका बोल्टीय सेल भी हो गया, बोल्टीय सेल। तो ये जो सेल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। और जो डेनियल द्वितीयक सेल की अगर हम बात करें तो द्वितीयक सेल क्या कहलाते हैं? ऐसा सेल जो एक बार क्या होते हैं? डिस्चार्ज होने के बाद वापिस से चार्ज हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है प्राथमिक सेल के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो एक बार कंप्लीट हो गई तो उसको हम दोबारा वापिस नहीं करा सकते, रिवर्स नहीं करा सकते, यानी कि इसके अंदर जो भी अभिक्रिया हो रही है वो अनुउत्क्रमणीय है। क्या है? अनुउत्क्रमणीय है, अनुउत्क्रमणीय है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय है। कैसी हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, कि यानी एक बार जैसे बर्फ और पानी का ले लो, बर्फ और पानी का ले लो, और इसमें जैसे मान लो, ठीक है, इसमें आप किस चीज का ले लिए, जैसे लकड़ी का जलना ले लिए, लकड़ी का जलना, ठीक है। अगर आपकी कोई लकड़ी एक बार जल गई, जल के राख हो गई, तो उस राख से वापस हम लकड़ी नहीं बना सकते ना। लेकिन इसमें अगर हमारा कोई पानी जो है वो बर्फ बन गया है तो वापस से बर्फ से हम पानी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जो द्वितीयक सेल होती है उसमें हमारी अभिक्रियाएं कैसी होती है बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लिया सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा सेल के विद्युत वाहक बल की, कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता, यानी किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल। ये होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा कोई शेल है, सेल को हम क्या, अभी भी हमने आपको बताया सेल का सिंबल इसी प्रकार से होता है, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है, ठीक है, इस परिपथ में मान लीजिए ये इस प्रकार से हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई परिपथ है, क्या है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक कोई परिपथ है, क्या है, कोई विद्युत परिपथ है, ये हमारा क्या है, एक विद्युत परिपथ है। अब परिभाषा को ध्यान से समझना, परिभाषा क्या कहती है, सेल के विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश ले लो, ठीक है, कितना आवेश लिया, ठीक है, एकांक आवेश ले लिया, एकांक आवेश का मतलब क्या होता है, एक कूलाम आवेश, एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश हमने ले लिया, ठीक है। अब इस एकांक आवेश यानी कि एक कूलाम आवेश को इस पूरे परिपथ में, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो कि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल के द्वारा पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। परिभाषा लिख लो, क्या लिखोगे, एकांक कूलाम, एकांक कूलाम आवेश को, एकांक कूलाम आवेश को सेल के द्वारा, सेल के द्वारा पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है, क्लियर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, बोल्ट होता है, कैसे, तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, और एकांक है, एकांक का मतलब होता है इचे क्यू, ठीक है, और W का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और जूल बटे कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अगर यही हम बात करें टर्मिनल विभवांतर की, तो टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, बोल्ट ही होता है, ठीक है, क्या होता है, बोल्ट ही होता है, लेकिन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, क्या समानता है, इस बात पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम सेशन के अंदर आप बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एक बार बेटा सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिसे 250 यानी कि 250 प्लस बच्चे जो है आज के सेशन में आ जाएं, 218 पे ये आंकड़ा रुका हुआ है, तो आप लोग कम से कम एक बार सेशन को शेयर कर दो, चलिए अगली, ये चीज समझ में आ गया, जल्दी बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ गया ना, यस सर, क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। देखो ये क्या है कि बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसे समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, चलिए आगे बढ़े। अगला बात करें टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर
दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर, कितना अंतर है जरा ध्यान देना। हेडिंग लगाओ सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये हमारा कोई सेल है, ठीक, अब ये हमारा मान लेते हैं कोई परिपथ है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है कोई परिपथ है जिसमें ढेर सारे क्या है लोड लगे हुए हैं, ठीक है, आई बात समझ में। और यहां मान लेते हैं हमारी कोई कुंजी लगी हुई है, ठीक, कोई ये है क्या कुंजी की, इस प्रकार से है। अब इस सेल के अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट यहां कहीं हमने मान लिया बी है, ठीक है, एक पॉइंट हमने मान लिया ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है, ठीक। अब ध्यान से समझो टर्मिनल विभवांतर की क्या परिभाषा बनती है, बेटा बर्थडे नहीं है, ठीक है, चलिए देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल ये एक तरीके से टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एक छोर होता है, एक पॉइंट होता है, ये हमारा पहला टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल है एक तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या है एक पहला टर्मिनल है, टर्मिनल वन ले लें इसे, और ये क्या हमारा दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल है। तो अब परिभाषा क्या कहती है कि एक कूलाम आवेश को, यानी कि एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को या एकांक कूलाम आवेश को, एकांक कूलाम आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ज्यादा नहीं, बस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यही तक, ठीक, आई बात समझ में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल के द्वारा, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो एकांक कूलाम आवेश को सेल के द्वारा, सेल के द्वारा एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, ले जाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और इसे जो है V से डिनोट करते हैं, यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपान Q, और या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं VAB, यानी कि A से लेके B तक के बीच के बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है, आई बात समझ में, दोनों में फर्क समझ में आया, बोलो एकदम बच्चों जल्दी बताओ दोनों में फर्क समझ में आया, ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ में आया, क्या फर्क है कि वहां पे क्या है इसी एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक, और टर्मिनल विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे, अब बताओ सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा या टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होगा या सेल का विद्युत वाहक बल, इनमें से कौन बड़ा है, वी या ई, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल बड़ा होता है या टर्मिनल विभवांतर बड़ा होता है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। सत्यम चौहान, सॉरी सर हम लेट हो गए, इसके लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ 50 बार।
जिसके लिए जिससे आप नेक्स्ट टाइम लेट मत हो। देखो लेट हो या कुछ भी हो इसमें नुकसान बेटा आपका है, ठीक है, मेरा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है, क्लासेज जो है चल चुकी हैं, तो उसे हाँ क्लास खत्म होने के बाद आप बैक करके देख सकते हो। बहुत बढ़िया, सभी का ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही सभी का बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। चलिए आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया, अब हम कारण एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, रीजन। देखिए किसी जैसे मान लो एक गुलाम आवेश है, तो इसको यहां से लेके पूरा ऐसे ऐसे घूमते हुए यहां से यहां तक आने में किया गया कार्य ज्यादा होगा या यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, डब्ल्यू से, यानी कि ये जो किया गया कार्य भाई यहां से लेके पूरा यहां तक चलेंगे तो किया गया कार्य ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात, ये क्या, ये आपका टर्मिनल विभवांतर है, और ये वाला डब्ल्यू क्या है, ये आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या चीज है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। इतनी जल्दी थैंक यू आ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट अगली हेडिंग लगाओ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम किसी सेल की बात करें तो सेल में हमारा बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक द्रव होता है, और उस द्रव के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई द्रव भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, क्या चीज, क्या मुझे कोर्स लेना चाहती हैं बट आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे, अंजलि से, चलिए आगे देखिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक, इन इलेक्ट्रोडों में से एक हमारा प्लस होगा एक माइनस होगा। अब क्या है, सेल के अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो किसी सेल के अंदर उपस्थित ये जो हमारी ये क्या है, सेल के अंदर ये क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ, और इस द्रव के हम क्या बोल, इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्य उपस्थित है, ठीक है, इनके द्वारा सेल, ठीक है, इनके द्वारा धारा के मार्ग में या धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखिए आपके बेटा जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, क्लास के बाद में, क्योंकि बीच बीच में अगर हम आपका डाउट लेंगे तो इस तरीके से तो हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, ठीक है, वही चीज है ना, जिसे कहा मतलब एक बहुत बेसिक सिंपल सी कहानी है ना, आपके टीचर भी, आपके मम्मी पापा, कई कई जगह आपको ये सारी चीजें सुनने को मिली होंगी, ये कहानी जो हम आपको बोलने जा रहे हैं, जिसे एक क्या, एक छोटा सा गांव था, चलो कहानी सुना देता हूं आप लोगों को, एक छोटा सा जो है गांव था, और उस गांव में क्या था, एक कथा चल रही थी, क्या चल रही थी, एक कथा चल रही थी, ठीक है। अब हुआ यूं कि जैसे ही आपकी कथा क्या हुई, शुरू हुई, और कथा शुरू होके आधा अध्याय खत्म हुआ, तब तक जो है दो चार और मेहमान पहुंचे गांव के, ठीक है, और बोले पंडित जी हम जरा लेट हो गए, आप इस कथा को दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो पंडित जी वापस फिर जो है शुरू से कर दिया, फिर आधा अध्याय खत्म किया या एक आध चैप्टर खत्म किया कथा का, तब तक दो चार लोग और आए, इस तरीके से बारी बारी से लोग आते गए और पंडित जी से रिक्वेस्ट करके कथा वापस से फिर से शुरू कराते गए। तो रिजल्ट क्या निकला,
कथा जो है उस गांव में कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी अगर इसी तरीके से सिलसिले चलते रहे। तो वही चीज है, अगर हम बीच बीच में बेटा आपके कमेंट्स देखते रहेंगे, ठीक है, हम आपसे क्या बोलते हैं, बार बार आपसे हमने कहा आपका जो भी डाउट हो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, या क्लास खत्म होने के बाद जब हम आपको मौका देते हैं तब तो आप क्विट कर जाते हैं, तब आपको बड़ी जल्दी भूख लगती है, तब आपको अपना डाउट नहीं पूछना होता है, ठीक है, क्लास के दौरान कुछ पढ़ा रहे हैं उसी में आपको अपना डाउट भी पूछना है, अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो ये भी नहीं कि हम सारी चीजें मिटा दे रहे हैं, सब तो सेम है, कहीं भी कोई डाउट होगा तुरंत हम आपको जो है बैक करके बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करो, संयम रखो, सब्र रखो, भरोसा रखो, ठीक है, अगर आप सब्र रखोगे तभी तो आपको, क्या कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है ना, तो सब्र रखिए थोड़ा। चलिए देखिए, बात कर रहे हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट के द्वारा धारा के मार्ग में या धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, क्या करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। अब जरा ये देखो कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है ये बेटा किन किन चीजों पर डिपेंड है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें, क्या करें, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जैसे कोई भी धारा है मान लीजिए वो यहां से इस ऐसे से यहां जा रही है, ठीक है, तो अब अगर इनकी हम दूरी बढ़ा देंगे तो धारा को जाने में और समय लगेगा और ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा, तो जितना ज्यादा रुकावट होगा उस तरीके से हमारा आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका बढ़ जाता है, दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो विद्युत अपघट्य हैं, अगर इनकी सांद्रता हम बढ़ा दें, विद्युत अपघट्य की अगर हम सांद्रता बढ़ा दें यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सांद्रता का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ले लो शहद ले लो, तो पानी और शहद की अपेक्षा गाढ़ा कौन है, शहद आपका ज्यादा गाढ़ा है, तो उसकी सांद्रता ज्यादा है, यानी जो द्रव आपका जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर पानी में चल रहा है और वही चीज अगर आपके किसी ज्यादा गाढ़े वाले द्रव में चल रहा है तो ज्यादा सांद्रता वाले में चलने में उसे दिक्कत होगी, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा फंसेगा, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है।
और कम सांद्रता वाले में कम टाइम लगेगा। तो वही चीज है, अगर हम विद्युत अपघट्य की सेल के अंदर सांद्रता बढ़ा दें तब भी आंतरिक प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल के अंदर या सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात बेटा आप सबको समझ में आ गई कि किसी भी सेल के अंदर, सेल के अंदर जो उपस्थित हमारे विद्युत अपघट्य हैं उसकी सांद्रता अगर हम बढ़ा दें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अगला हेडिंग लगाओ कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध वा सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध, सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। तो ध्यान से देखो बेटा इसमें क्या संबंध है। ठीक है, यहां से देखो, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बेटा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है या इस टॉपिक का यूज आपको आगे न्यूमेरिकल में करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए ये टॉपिक बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा आप लोग अपना अपना कंसंट्रेशन, अपना अपना फोकस जो है बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें देखो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, इस बात की जो है गारंटी है। बस आप अपना फोकस जो है बना के रखिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक, ऊपर बनाते हैं, ये मान लेते हैं कोई सेल, और ये सेल का हम मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो इस्तेमाल आ रहा है, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है हम मान लेते हैं, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ठीक है, अब इस सेल के साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, जिसका मान कितना है, R। ठीक है, और इस प्रतिरोध को हम सेल के साथ देखो कैसे जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। इसके साथ साथ यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया। क्या लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया। क्या लगाया, कुंजी के लगाया। ठीक है, एक हमने यहां पे कुंजी के लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो कि इस सेल का जो कुल प्रतिरोध कितना है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। माना ये जो सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा आपका, स्मॉल आर है। और सेल का जो वाहक प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल आर है। सेल का वाहक प्रतिरोध ये कितना है, कैपिटल आर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सेल के कुल प्रतिरोध की, तो सेल का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सेल का
कुल प्रतिरोध, ठीक। तो सेल के कुल प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया। अब अगर हम बात करें सेल में प्रवाहित धारा, ठीक है, तो सेल में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, सेल में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, धारा I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सेल में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल और बटे सेल का कुल, सॉरी सेल है, एक सेकंड, ये परिपथ है यार आपका, इसको सेल कर लेते हैं ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और परिपथ का, परिपथ का, या आप सेल भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर दें, परिपथ कर दें, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, परिपथ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो I बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल कितना है आपका E, कुल प्रतिरोध कितना है कैपिटल R प्लस स्मॉल R, तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर I गुणे कैपिटल R प्लस स्मॉल R, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर क्या लिख सकते हैं, I R और प्लस I स्मॉल R, इसे आप समीकरण नंबर एक बना लो, इसे क्या करो समीकरण नंबर एक बना लो, क्या बना लो समीकरण नंबर एक बना लो, अच्छा बन गया समीकरण नंबर एक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब देखो अगर हम बात करें इसके प्रतिरोध की, मान लेते हैं इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, V है, माना प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है, तो एक लाइन लिखो यहां, माना R के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर जो है वो कितना है, V है, तब R में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, तब R में धारा, R में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R, V बटे में R, ठीक है, ये इंप्लाइज कर देगा क्या, I R बराबर क्या हो जाएगा आपका, V, यानी कि V इक्वल टू क्या हो गया, I R, V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बोलो V इक्वल टू आई आर, अब यहां आपको आई आर दिखाई दे रहा, अब इस आई आर की जगह हम क्या रख दें, V रख दें, क्या रख दें, V रख दें, जरा ध्यान दो, इस आई आर की जगह पे अगर हम V रख दें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो E बराबर हमें क्या मिल गया, V प्लस आई और स्मॉल आर, V प्लस आई और स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो जो चीज हमने आपको बताया था, E क्या है, आपके सेल का विद्युत वाहक बल, और V क्या है, ये टर्मिनल विभवांतर है, क्या है, मान लो एक कोई बिंदु A है और ये B है, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और ये दो बिंदु कौन से हैं, ऐसे दो बिंदु हैं जहां पे बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक, तो ये क्या है, विभवांतर है। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, सेल के टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है, यानी कि देखो B में I प्लस R को जोड़ा गया है तब E के बराबर हुआ है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो E है, E आपका ज्यादा हुआ, हुआ ना ज्यादा, चलिए तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, तो E बराबर क्या मिला हमें, V प्लस आई आर, ठीक है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो V बराबर E माइनस आई आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू, यानी कि किसी भी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल में से सेल के आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो आंतरिक, ठीक है, प्रतिरोध में जो आपकी धारा खर्च हो रही है उसको घटा दें तब बराबर आता है। अच्छा, यहां से अगर हम आई आर का मान निकालना चाहें, देखो आई आर बराबर क्या मिलेगा, यह हो जाएगा आपका ई माइनस वी, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस बी बटे आई, E माइनस बी बटे आई, ये क्या है, R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी भी हमने आपको बताया I बराबर क्या होता है, V अपान में R, तो अब इस I की जगह पे हम क्या करें, ये मान रख दें
आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी बटे आर। ये आर आपका पलट के चला जाएगा ऊपर, क्योंकि जब भिन्न में भिन्न से भाग करते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है ना, तो किसी भी चीज में अगर हम फ्रैक्शन से भाग करते हैं तो जो उसका हर होता है हर ऊपर चला जाता है, ई माइनस वी, और इसके साथ आ जाएगा आर, और नीचे आपका हो गया वी। अब वी को ओपन कर दो, अलग अलग भाग कर दो, ई बटे वी माइनस वी अपान वी और इंटू आर, ये क्या हो जाएगा आपका ई अपान वी माइनस वी से भी कट जाएगा, आएगा वन इंटू आर। तो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है ये है सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर निकालने का सूत्र, ठीक है। ये किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का बेटा फार्मूला है, ये आ गया आपका फार्मूला। अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये था आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र। अच्छा, एक और चीज यहां से देखो, V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। अगर हम सेल से धारा ना ले, अगर सेल से धारा ना ली जाए, यानी कि I बराबर शून्य, धारा का मान अगर जीरो, अगर हम सेल से धारा ना लें, तब सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का जो विभवांतर होता है दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आई की जगह जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, और ई में से जीरो घटाओगे तो आ जाएगा जीरो। अगर हम किसी भी सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तब सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम धारा ले रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। हाँ, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हम लोग बात करेंगे किरचाप का नियम, ठीक है, किरचाप का नियम, और इसके साथ साथ बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, यानी कि कल से जो भी आपका सेशन होगा ये आपकी परीक्षा के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, तो कल से आप कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कल भी आप लोग इसी तरीके से, इससे ज्यादा संख्या में जो है तैयार रहिएगा, कल का सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूं फिर अगली क्लास।